इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख झील के बारे में चर्चा करेंगे। झील जल का एक विशाल भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है उसे झील कहते हैं। झील का कोई एक मान्य डिफिनेशन नहीं है, लेकिन यह जो डिफिनेशन है सबसे अधिक सही है कि जल का एक विशाल भाग, कोई भी लार्ज वाटर बॉडीज चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है तो उसे झील कहते हैं। झील मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक झील और दूसरा मानव निर्मित झील। प्राकृतिक झील अनेकों प्रक्रियाओं से बनते हैं, जैसे विवर्तनिकी झील, टेक्टोनिक झील, जैसे क्रस्ट का कोई भी पार्ट्स नीचे धस गया और उसमें जल भर गया तो उससे जिस झील का निर्माण होता है उसे विवर्तनिकी झील कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा झील बुलर झील विवर्तनिकी झील का एग्जाम्पल्स है। नदियां जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो विसर्पण लेती हुई आगे बढ़ती है, अर्थात मूर्ति हुई आगे बढ़ती हुई। इसके कारण गोखुर झील ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। बिहार में अनेकों ऑक्सबो लेक स्थित है। इसी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्रों में बॉलसन और प्याला झील पाए जाते हैं और उल्का पिंड के गिरने से क्रस्ट के जो भाग धंसता है उसमें जल जमा हो जाने से भी झील का निर्माण होता है, जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील। साथ ही साथ ज्वालामुखी उद्गार के अंतिम समय में जब क्रेटर और कॉल्डेरा का निर्माण होता है तो उस क्रेटर जब जल भर जाता है तो क्रेटर लेक का निर्माण होता है। तटीय क्षेत्रों में सेडिमेंट्स के डिपोजिशन होने से जब कोई जल का भाग तटीय क्षेत्रों में घिर जाता है तो उससे भी झील का निर्माण होता है, जैसे चिल्का झील। तो इस प्रकार प्राकृतिक झील के निर्माण के अनेकों प्रक्रिया हैं, लेकिन मानव निर्मित जो झील है, मानव के द्वारा जो बनाया गया झील है उसे मानव निर्मित झील कहते हैं। अब हम लोग भारत के प्रमुख झील के देखेंगे। सबसे पहले बुलर झील। तो बुलर झील फ्रेश वाटर का भारत में सबसे बड़ा लार्जेस्ट झील है और बुलर झील कश्मीर में स्थित है। बुलर झील टेक्टोनिक झील का एक एग्जाम्पल है। दूसरा चिल्का झील। तो चिल्का झील तटीय क्षेत्र में लवणीय जल का सबसे बड़ा झील है, चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है जिस पर कि DRDO का प्रक्षेपण केंद्र है। अगला हम लोग आते हैं कोलेरू झील। तो कोलेरू एक मीठे पानी का फ्रेश वाटर लेक है। कोलेरू एक फ्रेश वाटर लेक है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पुलिकट झील। तो पुलिकट जो झील है एक लवणीय झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। यहाँ पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के अंतर्गत श्रीहरिकोटा है और यहीं पर ये श्रीहरिकोटा है। इस तरह पूर्वी तटीय क्षेत्र में तीन प्रमुख झील हैं, चिल्का, कोलेरू और पुलिकट झील, जिसमें चिल्का और पुलिकट झील खारे पानी का झील है जबकि कोलेरू झील एक फ्रेश वाटर लेक है। आगे हम लोग आते हैं तो केरला में। केरला में दो प्रमुख झील है,
अष्टामुड्डी और वेम्बनाड लेक। महाराष्ट्र में लोनार झील है। इस लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने के फलस्वरूप क्रस्ट के नीचे दबने से और पुनः उसमें जल भरने से लोनार झील का निर्माण हुआ है। सांभर झील, तो सांभर झील राजस्थान में या भारत के आंतरिक भाग में सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, यह राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह से भारत में मीठे पानी का फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक जो है वह आपका बुलर झील है। उसके बाद लवणीय जो जल है उसमें सबसे बड़ा आंतरिक भारत में आपका राजस्थान का सांभर झील है, जबकि लवणीय जल का सबसे बड़ा तटीय जो झील है वह जो झील है आपका चिल्का झील है। साथ ही लोकटक झील, तो लोकटक जो झील है वह मणिपुर में है। लोकटक झील को मणिपुर का जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह टूरिस्ट प्लेस है और टूरिज्म के कारण मणिपुर को इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है और यह झील सिक्किम में स्थित है। चोलामू झील तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। तीस्ता नदी सिक्किम पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो इस तरह से चोलामू झील भारत का सबसे ऊंचा झील है। तो ये झील के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स है और सबका अपना एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है। आगे आते हैं तो हरियाणा में सूरज कुंड झील है। हरियाणा में सूरज कुंड झील है। जम्मू कश्मीर में बुलर झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, अर्थात जो भी नाग नागिन से रिलेटेड नाम है वह सब झील जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में नैनीताल और भीमताल दो प्रमुख झील है। उत्तराखंड में नैनीताल और भीमताल दो प्रमुख झील है, जबकि राजस्थान में सांभर, डिडवाना, पुष्कर, पिछौला, फतेह सागर और उदय सागर प्रमुख झील हैं। इस बार वर्ष 2021 में जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था कि सांभर, डिडवाना, पुष्कर क्या है। तो ये सभी खारे पानी की झील है, लवणीय झील है। अब हम लोग गुजरात में आते हैं तो गुजरात में नल सरोवर और नारायण सरोवर दो प्रमुख झील है। बिहार में कांवर झील जो बेगूसराय में स्थित है। तो बिहार का जो कांवर झील है वह आपका ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना प्रारंभ किया गया, जिससे कि भारत का जो भी महत्वपूर्ण झील है उन झीलों को संरक्षित किया जा सके। हमने इस वीडियो में झील से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वे सभी तथ्यों को बताने का प्रयास किया है। इस वीडियो से प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक ध्यान पूर्वक देखें। हम आप सभी से इस वीडियो को लाइक एवं कमेंट्स करने का रिक्वेस्ट करते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने का भी रिक्वेस्ट करते हैं।